A uh, very good morning to my dear students. Let me introduce myself. Myself, Ansuya Nagarchi, assistant teacher, government primary school, Temri, Raipur, Chhattisgarh. Today, we learn a lesson, lesson number 38 Can you do this? In this lesson, the student will listen to the conversation between two friends. Sumit and Sudha and get to know about their mother tongue. Students, what is mother tongue? Mother tongue is a language which we use in our home and we grew up speaking. एठ बच्चों मातृभाषा क्या होती है मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हम बचपन में अपने घरों पे बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी से हम उसी को बोलते हुए सीखते हुए हम बड़े होते हैं तो आज हम उसके विषय में भाषाओं के विषय में पढ़ेंगे ना ओपन योर बुक्स लेसन थर्टी एट कैन यू डू दिस लेसन नंबर थर्टी एट क्या आप ऐसा कर सकते हैं इस लेसन में इस पार्ट में दो बच्चों की बातचीत हो रही है सुधा और सुमित ये दोनों क्या बात कर रहे हैं आपस में चलिए आइए सुनते हैं सुधा सुधा बोलती है हेलो सुमित सुधा कहती है हेलो सुमित फिर सुमित भी क्या कहता है हेलो सुधा सुमित भी कहता है हेलो सुधा फिर सुधा कहती है लेट टेल मी सुमित व्हाट इज योर मदर टंग सुधा कहती है सुमित मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है सुमित माई मदर टंग इज तमिल फिर सुमित क्या कहता है माई मदर टंग इज तमिल मेरी मातृभाषा तमिल है नाउ स्टूडेंट फिर सुधा कहती है कैन यू स्पीक छत्तीसगढ़ी फिर सुधा कहती है क्या तुम छत्तीसगढ़ी बोल सकते हो फिर सुमित कहता है नो नो आई कैन नॉट स्पीक छत्तीसगढ़ी बट आई कैन लर्न छत्तीसगढ़ी फिर सुमित क्या कहता है नहीं मैं छत्तीसगढ़ी नहीं बोल सकता हाँ लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी सीख सकता हूँ फिर क्या होता है बच्चों सुधा बोलती है कैन आई लर्न तमिल फिर सुधा क्या कहती है क्या मैं भी तमिल सीख सकती हूँ फिर सुमित क्या कहता है नॉट यू कैन लर्न तमिल तमिल क्यों नहीं तुम भी तमिल सीख सकते हो बच्चों इस लेसन में हमें विभिन्न भाषाओं के बारे में बताया गया है आप एक दूसरे की भाषा सीख सकते हैं आसानी से है ना ओके दिस इज योर एक्सरसाइज टिक द बॉक्सेस फॉर थिंग्स विच यू कैन डू ये बॉक्सेस में आपको सही या गलत का निशान लगाना है जिसे आप कर सकते हैं देखिए प्ले है फर्स्ट वाला प्ले मींस होता है खेलना सेकंड होता है फ्लाई फ्लाई मींस होता है उड़ना थर्ड वन इज रन रन मींस होता है दौड़ना फोर्थ इज राइट राइट मीन्स होता है लिखना फिफ्थ इज सिंग सिंग होता है गाना गाना चलिए अब देखते हैं आप लोग क्या क्या कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं यस तो प्ले के बॉक्स में राइट का निशान लगाइए है ना सेकेंड वन इज फ्लाई क्या आप फ्लाई कर सकते हैं नो no. उसमें क्रॉस करिए बॉक्स में आप फ्लाई नहीं कर सकते थर्ड वन इज रन क्या आप दौड़ सकते हैं यस yes. उसमें राइट right का निशान लगाइए फोर्थ वन इज राइट आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ना वेरी गुड उस बॉक्स में राइट का निशान लगाइए एंड फिफ्थ वन इज सिंग आप गाना गा सकते हैं ना यस फिफ्थ में आप राइट का निशान लगाइए ओके स्टूडेंट एंड दिस इज योर एक्सरसाइज वर्क हु कैन डू दिस राइट यस और नो जो कर सकता है इस पिक्चर में उसके बारे में यस लिखना है और जो नहीं कर सकता उसके बारे में नो लिखना है फ्लाई फ्लाय होता है उड़ना फर्स्ट वन इज कैट कैट मीन्स होता है बिल्ली बिल्ली उड़ सकता है क्या अभी आपको बताना पड़ेगा सेकेंड वन इज बॉय बॉय उड़ सकता है क्या थर्ड वन इज बर्ड बर्ड उड़ सकता है क्या अब आप देखिए इस पिक्चर में फ्लाई का बताया है सेकेंड है टॉक 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 मीन्स होता है बोलना फर्स्ट पिक्चर है हाउस हाउस बोल सकता है क्या आपको समझना है फिर लिखना है सेकेंड वन इज बॉल बॉल बोल सकता है क्या अब थर्ड वन इज गर्ल गर्ल मीन्स होता है लड़की अब लड़की बोल सकती है क्या आपको बताना है लास्ट इज वॉक वॉक मीन्स होता है चलना फर्स्ट पिक्चर है बॉय बॉय चल सकता है क्या आपको बताना पड़ेगा थर्ड सेकेंड इज ट्री ट्री चल सकता है क्या आपको बताना पड़ेगा बच्चों उसके बाद में लास्ट वन इज डॉग डॉग चल सकता है क्या अच्छा चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है फर्स्ट है फ्लाई फ्लाई कौन कर सकता है ऊपर उड़ना कौन ऊपर उड़ सकता है कैट कैट उड़ सकता है क्या नो no. उसमें नो लिखिए एन ओ नो बॉय बॉय उड़ सकता है क्या नो no. उसमें भी नो नो अन लास्ट वन इज बर्ड बर्ड उड़ सकती है चिड़िया उड़ सकती है पक्षी उड़ सकते हैं उसमें यस लिखिए एस यस ठीक है एंड सेकेंड इज टॉक टॉक मीन्स होता है बोलना कौन बोल सकता है हाउस हाउस बोल सकता है क्या नो no. उसमें एन ओ नो लिखिए सेकेंड वन इज बॉल बॉल बोल सकता है क्या नो no. उसमें भी एन ओ नो लिखिए थर्ड वन इज गर्ल गर्ल मीन्स होता है लड़की लड़की बोल सकती है ना यस yes. तो उसमें लिखिए वाई ई एस यस लास्ट वन इज वॉक वॉक मीन्स होता है चलना कौन चल सकता First है देखिए फर्स्ट है बॉय बॉय चल सकता है ना यस yes. उसमें लिखिए वाई ई एस यस सेकेंड वन इज ट्री 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 चल सकता है क्या नो no. तो so, ट्री में आप एन ओ नो लिखिए थर्ड इज डॉग डॉग चल सकता है यस yes. कुत्ता जिसको हम कुत्ता कहते हैं वह चल सकता है वह चलता, चलता है उसमें यस लिखिए वाई ई एस यस ओके स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज योअर होमवर्क यह आपका ग्रह कार्य है नेम एनी फाइव लैंग्वेजेस फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी फाइव लैंग्वेजेस पांच भाषाओं के नाम आपको लिख के लाना है उसमें कोई सा भी हो सकता है हिंदी इंग्लिश मराठी बंगाली तमिल छत्तीसगढ़ी कुछ भी हो सकता है आप लिख के लाएंगे ठीक है एंड सेकेंड क्वेश्चन इज आस्क योर पेरेंट्स अबाउट योर मदर टंग आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे आपकी मातृभाषा कौन सी है और पूछ के आएंगे ओके थैंक यू स्टूडेंट बाय